चार्ज लगाना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, तो इससे क्या है कि बैटरी का जो बैलेंसिंग होता है वो बना रहता है। इसके एडवांटेज क्या और डिसएडवांटेज क्या है? रात को चार्ज कर दीजिए, फिर से केला तैयार हो गया, यानी कि फिर से आपका जो है वो लगेगा आपको, यानी कि रोज आपके एक्सपीरियंस ऐसा होगा। रिवर्स बटन प्रेस किया, इस तरह से मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी, जिस तरह से हम लोगों ने बताया कि, और चलाने में स्पीड एक बहुत मायने रखती है, तो कोई वो नहीं फील होगा कि हम धीरे धीरे जा रहे हैं। स्टार्ट किए तो आप लोकेशन के हिसाब से आपको मोबाइल में देखने की जरूरत नहीं है, मतलब जीपीएस इसमें ही आ जाता जी, है। जी ओ, जी भी क्या है, थोड़ा चॉइस हो गया कि एक्टिव वाले अदरवाइज इलेक्ट्रिक बैटरी। यहाँ पर अभी आपके सामने देख रहे हो, यहाँ पर आपको सामने देखने को मिलेगा, अभी देख रहे हो, अभी थोड़ा टाइम ड्यूरेशन हो रहा है, देख रहे हो नीचे ऊपर दोनों तरफ से इस तरह का होता है। ठीक है, साथ में से यहाँ पर गाना भी बजा सकते हैं आप, इसमें आवाज के साथ इंडिकेटर जो है वो आगे बढ़ती रहेगी। लोगों के मन में डर है कि इलेक्ट्रिक बाइक में इतना खर्चा कर रहे हैं, उसके बाद कहीं खिलौना तो नहीं निकलेगा, तो ये सर बहुत अच्छी बात है कि ऐसा। हेलो दोस्तों, स्मार्ट टेक्नो गाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक बाइक जनरली हम लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं, जनरली ऑफलाइन भी हम लोग, यहाँ पर अभी ढेर सारे इलेक्ट्रिक बाइक अवेलेबल है। कई लोग जनरली स्कूटर भी परचेस करते हैं, कई लोग ऐसे भी रहते हैं कि TVS है, चाहे एक्टिवा है, चाहे ढेर सारे ऐसे अलग अलग वेरियंट है। कई लोगों को अभी आप जानते ही होंगे रिवोल्ट का बाइक आ गया है। ठीक है, तो जनरली कई लोगों को घर के कोई भी घर है यहाँ पर, उसका यूज़ करने के लिए कौन सा अच्छा रहेगा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अदरवाइज़ मैं आपको रिव्यू भी बताने वाला हूँ ओला इलेक्ट्रिक बाइक का। यहाँ पर रिव्यू बताने वाला हूँ कौन सा मॉडल है, मैं पूरे इस आपको वीडियो में बने रहिएगा, पूरे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओला का जो S1 Pro का जो मॉडल है उसका मैं रिव्यू करके बताने वाला हूँ, जिससे आपको प्रॉपरली आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह का क्या इसके फीचर्स क्या है, उसके स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी माइलेज क्या देती है, कितना कौन कितने प्राइस मिलती है, कौन सी सब्सिडी कितना मिलता है, हर स्टेट के अलग अलग सब्सिडी मिलती है, सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और जो इलेक्ट्रिक बाइक के जो ओनर है उनसे भी थोड़ा पूछूंगा कि उनका एक्सपीरियंस किस तरह का है। ठीक है, तो मैं आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेरे सामने जो है ओला का जो है S1 Pro करके मॉडल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी मज़ेदार और एकदम स्टनिंग लुक है, एकदम आप देख रहे हो दोस्तों, इसके फीचर और स्पेसिफिकेशन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अलग अलग जब स्टार्ट होता है तब इस तरह का आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर स्पेसिफिकेशन आप डिज़ाइनिंग देखोगे दोस्तों, सच में लाजवाब है। आप देख रहे हो यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी मिलेगी, यहाँ पर LED डिस्प्ले मिलेगी, और कितने किलोमीटर चला है, 352 किलोमीटर ऑल टाइम आपको चला हुआ है। यहाँ पर साउंड भी यहाँ पर आप बजा सकते हैं, वो भी आपको प्रैक्टिकल करके सब चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक, आप देख रहे हो पूरा स्पेसिफिकेशन क्या है, सब चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों। S1 Pro करके मॉडल है दोस्तों, आप देख रहे हो यहाँ पर जो मेरे पास से ढेर सारे लोगों को ऐसा रहता है एक्टिवा बाइक ली, एक्टिवा के कंपेयर में दोस्तों अभी जो है उसके कंपेयर में आप इलेक्ट्रिक बाइक यूज़ कर सकते हैं, एक काफ़ी अच्छा स्कोप है अभी के टाइम के अंदर। ओला का काफ़ी अच्छा वेरिएंट आ गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं मेरे सामने ओला का जो है उसका प्रॉपर रिव्यू करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं अभी जो जिसके ओनरशिप है उनको जरा बताऊँगा, उनको बुलाऊँगा, जैसे आपको प्रॉपरली आइडिया मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ जो जिसके जो ओला का S1 Pro मॉडल जो है इनके जो ओनर है उनका मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू, आपके जो अपना अमूल्य समय अच्छा, निकाला उसके लिए। थैंक यू दिनेश भाई। मैं आपका दिनेश भाई सब वीडियोस देखता हूँ और बहुत अच्छा आप बताते हैं लोगों को। जी, 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 जी। बहुत अच्छा, आज ओला के बारे में आए हैं तो चलिए हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। बताइए जी, इसका जो ओनरशिप और इसके डिजाइनिंग और कितने में आपको जो आपको मैं बताऊं कि आपको कितने में पड़ा इसका प्राइस डायरेक्ट टू द पॉइंट। देखिए, हम लोगों का एक सबसे बेहतर चीज ये है कि हम लोग गुजरात से हैं, आप भी गुजरात से, मैं भी गुजरात से, और गुजरात में एक जो राज्य सरकार है उनकी एक बहुत अच्छी पॉलिसी है कि कोई भी नया इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया जाएगा तो उसमें सब्सिडी की स्कीम है। जी जी जी। तो सर ये लेने के बाद, वैसे हम लोगों ने पहले बुक कराया था, सबसे पहले जब ओला का बुकिंग चालू हुआ उसके अच्छा, एक अच्छा, दो महीने के अंदर अच्छा। तो हम लोगों को सर एक फायदा ये हुआ कि ये बाइक जो S1 Pro और S1 दो मॉडल थे उसमें,
हम लोगों ने बुक S1 कराया था, लेकिन कंपनी ने उस समय S1 बनाना शुरू नहीं किया था, यहाँ पे कुछ बाकी था, तो उन लोगों ने हम लोगों को S1 की प्राइस में S1 प्रो दिया। अच्छा अच्छा। तो सर ये सब कुछ करने के बाद हम लोगों ने इनके लिए ये गाड़ी के लिए 1,17,000 पे किया। अच्छा अच्छा। और 1,17,000 पे करने के बाद 20,000 राज्य सरकार की सब्सिडी मिल गई, तो 97। अच्छा। और उसके बाद सर ये हुआ कि हम लोग राजकोट से हैं, तो राजकोट में RMC का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दोस्तों मैं बता दूं, राजकोट मतलब गुजरात का, गुजरात के अंदर राजकोट सिटी पड़ता है, उसके लिए लोकेशन ये है। जी जी। तो राजकोट में हम लोग हैं सर, तो यहाँ पे एक अच्छा है कि हमारी यहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो ये सब प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल और साइकिल प्रमोट करने के लिए ऊपर से और 5,000 सब्सिडी देती है। तो ये हमें सर सब माइनस करने के बाद 92,000 में हम लोगों को यहाँ राजकोट में पड़ेगी। अलग अलग स्टेट के लिए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग हो सकता है प्राइस, लेकिन यही 20-25,000 का वेरिएंट आएगा। और आपको चलाते हुए कितना टाइम ड्यूरेशन हुआ और कितना टाइम हुआ होगा आपको? जी मैं सर ये 8 महीने से चला रहा हूँ। मैंने फरवरी में मेरा ये डिलीवर हुआ था और मैं 8 महीने से चला रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और 8 महीने से चलाने में सर बहुत सेटिस्फिकेशन है, बहुत संतोष है इसको चलाने में। अच्छा अच्छा। और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, एक दो बार ऐसा हुआ कि कस्टमर केयर में हमें फोन करना पड़ा। उसका कस्टमर का रिव्यू किस तरह का है, मतलब सपोर्ट करते हैं या किस तरह? जी जी बहुत अच्छा, जी बहुत अच्छा। जैसे ही फोन किया वो तुरंत ही कर देते हैं। और दूसरा ये है कि कोई भी जगह पे आप कोई कंप्लेन लिखाइए तो 72 आवर्स का टाइम देते हैं। अच्छा, अच्छा। लेकिन 24 घंटे के अंदर फोन वगैरह आ जाता है और जो भी समस्या है छोटी मोटी वो हो जाता है यहाँ पे। और दूसरा दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जनरली कई लोग जो जनरली ओला का फीचर्स है, मैं ऐसा होगा तो अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा, ओला की एप्लीकेशन है उसमें दोस्तों जनरली आपके घर पर आकर लोग इलेक्ट्रिक बाइक का जो आप टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, टेस्ट ड्राइव भी आपको फ्री में कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक जो उनके जो टेक्नीशियन रहेगा आपके साथ आएंगे और आपको पूरा प्रॉपरली फीचर आपको देंगे। मैं पूरे इस आगे के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले में बताऊंगा एप्लीकेशन के अंदर उसके टेस्ट ड्राइव फ्री में मिलते। कई लोगों को शायद पता नहीं रहता है टेस्ट ड्राइव फ्री में देते ओला वाले। ठीक है जी। तो जनरली इसके फीचर्स और क्या क्या डिजाइनिंग और मेन क्या आपका यूजर एक्सपीरियंस किस तरह का है ओला का? अच्छा, बहुत अच्छा रहा सर। देखिए रहता है कि मेन क्या रहता है, आजकल आप जानते हैं कि पेट्रोल का प्राइस ज्यादा काफी बढ़ गया है, तो कई लोग अभी क्या है थोड़ा चॉइस हो गया कि एक्टिवा ले अदरवाइज इलेक्ट्रिक, क्योंकि प्राइस सेम हो गया है। देखिए सर अभी अपना जो पूरा जैसे विश्व है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है और पेट्रोल की कीमत वगैरह बहुत ज्यादा हो रही है अभी, तो वो सब देखने के हिसाब से ये लग रहा है कि अभी इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने में ही फायदा है। लेकिन लोगों को डर रहता था कि भाई इलेक्ट्रिक बाइक खरीदेंगे लेकिन उसकी बैटरी वगैरह कब खत्म हो जाए, ये सब वो सब। तो अभी से लिथियम आयन बैटरी जो आ रही है, जैसे मोबाइल हम लोग 3-4 साल यूज कर रहे हैं और बैटरी से रिलेटेड अब जो समस्याएं हैं बहुत कम आ रही हैं, तो इसमें भी सर ऐसा ही है अभी, लेकिन नई निकली है तो लोगों के मन में डाउट है। लेकिन मैं 8 महीने से यूज कर रहा हूँ, बैटरी से रिलेटेड कोई समस्या नहीं। मैं एक बार जो चार्ज करता हूँ तो 106 किलोमीटर अभी जो अभी के हिसाब से चलती है, अगर इको मोड में चलाता हूँ तो 135-136 के आसपास चलती है। इको मोड में इसका फीचर्स के बारे में सर आप पूछिए तब मैं एक एक करके मैं आपको बता दूंगा, मैं बताता हूँ। और मेन दूसरों अभी वो भी मैं पूरा फीचर भी बताने वाला हूँ। मेन क्या जो यूजर एक्सपीरियंस जो ओनर जो लोग परचेस करने वाले फर्स्ट पूछ रहे हैं इनसे और फीचर भी बताने वाला हूँ। मेन दोस्तों ये बात भी है कि आपको विकास भाई इसको चार्जिंग होने में कितना टाइम ड्यूरेशन लेता है? अच्छा, इसका सर मैं यूजुअली रात को ही चार्ज करता हूँ और 3-4 घंटे में, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे में। बैटरी का सर एक टेक्निकली मैंने देखा है, शायद इलेक्ट्रिकल ये अप्रूव हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन जब 40% के आसपास अगर बैटरी जब इसमें है तभी चार्ज लगाना शुरू कर देना चाहिए। तो इससे क्या है कि बैटरी का जो बैलेंसिंग होता है वो बना रहता है और बैटरी लाइफ जो है वो आप ज्यादा ले सकते हैं। और अब कई लोग डाउट में थे इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से कि बैटरी वगैरह इसका बॉडी वगैरह स्ट्रक्चर ये सब से, लेकिन मेरे हिसाब से सर बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है। और मैं कई लोग टू द पॉइंट पूछूं जी, इसके एडवांटेज क्या और डिसएडवांटेज क्या है, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। एडवांटेज पहले बता दीजिए। अच्छा, देखिए एडवांटेज हाँ बताइए। सबसे बड़ा फायदा ये सर कि पेट्रोल पंप के पास जाने की जरूरत नहीं,
दूसरी बात ये है कि आप घर पे जैसे एक सोचिए कि आप दिमाग में ऐसा कुछ लाइए, आपको एक खुशी होगी, रोज यूज करने से खुशी होगी आपको, कि जैसे आपने केला खाया और केला का छिलका फेंक दिया घर में कहीं बाहर कूड़ेदान में कहीं, और सुबह उठिए तो फिर से एक केला आपको तैयार मिल रहा है, उस टाइप का एक्सपीरियंस सर आपको रोज के रोज होगा। जिस दिन आपको मन लगेगा आपको कि अब 30% 20% बैटरी रह गई है और मेरा वाला 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलने वाला है, रात को चार्ज कर दीजिए, फिर से केला तैयार हो गया, यानी कि फिर से आपका जो है वो लगेगा आपको, यानी कि रोज रोज आपका एक्सपीरियंस ऐसा होगा, रोज आपको यही एक्सपीरियंस होगा कि बिना कुछ खर्चा किए, बिना कुछ लिए, बिना कुछ पैसा दिए आपका रेडी हो गया। तो सबसे बड़ी ये है सर कि एक खुशी जो मिल रही है वो एक सबसे अच्छी बात है, पेट्रोल का खर्चा नहीं आपका, बैटरी बैकअप आप अगर अच्छी तरह से चलाते, वैसे तो रफ भी चलाना सबका अभी चालू है कि रफ भी सब यूज कर लेते हैं, लेकिन मैं यही देख रहा हूँ कि जैसे कोई भी गाड़ी लीजिए तो आप उसका जतन कीजिए, जतन कीजिए तो जहाँ पे वो 5 साल चलेगी उसकी जगह आपको 10-15 साल आपको बैकअप देगी, तो ये अच्छा है सर। और चार्जिंग में भी ध्यान रखना कि जैसे कि एकदम लो हो जाए चार्जिंग, जब 40% से नीचे हो तभी चार्ज कीजिए तो आप पूरा बैटरी बैकअप ले सकेंगे। तो डिसएडवांटेज तो सर बहुत कम मुझे देखने को मिला, लेकिन फिर भी थोड़ा एक लगता है कि थोड़ा इसमें ओला वाले को थोड़ा इसमें थोड़ा जी और थोड़ा बेटर करते, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, आपका पर्सनली क्या लग रहा है? एक तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सर अभी एसेसरीज अभी आई नहीं हुई है, तो एक सर एसेसरीज का एक देखना है कि एसेसरीज आ जाए तो थोड़ा सा और क्या है कि प्रोटेक्टिव हो जाएगा, सबसे बड़ी बात यह है। उसके अलावा सर अगर देखा जाए तो ओला अभी नई कंपनी है, नई चालू हुई है, जहाँ तहाँ वेयर हाउस है इसका, लेकिन वेयर हाउस बहुत बड़े पैमाने पर है सर, एक बड़े बड़ा जिला है तो वहाँ पे एक या दो है, तो अच्छा है। ये भी है कि अगर छोटे छोटे लेवल पे एक सिटी में चार या पांच जगह पर अगर उसका वेयर हाउस या फिर गैराज टाइप का अगर चालू हो तो वो एक चार्जिंग पॉइंट तो हो ही जा रहा है सर, वो तो चलिए घर पे भी हो जाएगा, लेकिन एक ये होना चाहिए, लोगों के मन में डाउट है कि अगर ओला में कुछ खराबी आती है तो हम जाएं कहाँ पे। दूसरा मेन ये भी, जिस तरह से हम लोग गाड़ी के अंदर क्या जनरली रहता है कि जनरली 500 किलोमीटर चलाते हैं तो इसका थोड़ा बहुत सर्विस करना चाहिए, बाद में 3000 का किलोमीटर चलते तो बाद में सर्विस करानी चाहिए, जिसके इसके अंदर इसमें क्या है? नहीं, इसमें सर ऐसा है कि ज्यादा कोई जैसे रेगुलर अपना बाइक है, जैसे अपना ये पेट्रोल से चलने वाला, उसमें तो उसमें कई सारे इक्विपमेंट्स है सर, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मोटर है, बैटरी है, बस दो ही चीज है। अच्छा, तो सर्विसिंग का वैसे कोई ज्यादा कोई जरूरत नहीं जरूरत है सर। और कुछ खराबी वगैरह आती है जैसे गियर वगैरह, स्विच वगैरह भी सर इतना अच्छा है कि उसमें कोई परेशानी आने की कोई जो तकलीफ है वो नहीं होगी। दूसरा ये भी पूछना होगा कि आपके क्या क्या फीचर्स है, थोड़ा आप डिटेल में बताइए। अच्छा, शुरू से देखते हैं सर, लेकर क्या क्या लग रहा है जी, थोड़ा वो भी बता दीजिए जी। शुरू से हम डेकी से चालू करते हैं सर, क्योंकि इसका सबसे बता दूं, सबसे पहले मतलब ओला का जो ब्रांडिंग लोगो रहेगा उसके अंदर, ठीक है, फिर बाद में जो रहेगा ये फाइबर का बॉडी रहेगा इसके अंदर, ठीक है, फिर बाद में ट्यूबलेस टायर वाले आप जनरली आते हैं हर बाइक के अंदर, कोई भी नई गाड़ियां रहती है उसके अंदर ट्यूबलेस टायर आते ही है, ठीक है, फिर बाद में आप देख ही रहे हैं किस तरह का क्या है, और यहाँ से चालू कीजिए थोड़ा वाईफाई से या क्या मोबाइल से रहता है? मोबाइल से रहता है दोस्तों जी, मोबाइल पासवर्ड दोनों से कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ से आप देख रहे हो दोस्तों मोबाइल से भी थोड़ा जी, शुरू से देखते हैं जी सर। सबसे बड़ी बात यह है सर यहाँ ओला में कि ओला के फीचर्स के बारे में जानते हैं, कि सबसे बड़ी बात यह है सर कि अगर ओला को फिजिकली देखें जी, इसके बारे में बताते हैं। ओला को फिजिकली देखें तो सबसे बड़ी इसका जो आकर्षण का केंद्र है सर, ये डिक्की है। आकर्षण का केंद्र सबसे बड़ा सर ये डिक्की है, डिक्की में आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं जी। ओला के फीचर्स के बारे में देखते हैं, सबसे बड़ी बात यह है सर कि ये ओला जो है वो टोटली मोबाइल से ऑपरेटेड हो सकता है, मोबाइल से ऑपरेटेड और मैन्युअली भी है। मैन्युअली आप ये जो रेड की है वो दबा के और उसके बाद पासवर्ड डाल के आप चालू कर सकते हैं। उससे बड़ी बात ये है सर कि ओला का जो स्पेशल सॉफ्टवेयर है, जिन्होंने ओला खरीद लिया है तो उन्हें उनके लिए जो है वो दो फीचर्स हैं, जैसे कि आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर जो रहेगा, जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हो डिस्प्ले के अंदर अभी बंद है अभी, ठीक है, तो एप्लीकेशन के अंदर अभी फीचर्स मिलता है अनलॉक करने का रहेगा, मतलब डिक्की या जो भी बाइक है आपको स्टार्ट करने के। आप देख रहे हो यहाँ पर अभी आपके सामने देख रहे हो, यहाँ पर आपको सामने देखने को मिलेगा अभी, देख रहे हो अभी थोड़ा टाइम ड्यूरेशन हो रहा है, आप देख रहे हो नीचे ऊपर दोनों तरफ से इस तरह का होता है, ठीक है जी। उसी तरह से डिक्की खोलने के लिए भी सर आप इसका भी यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले का भी, और साथ में यहाँ पे ट्रंक जो ऑप्शन दिया गया है
वो ट्रंक आप दगाएंगे तो आपकी डिक्की जो है वो अनलॉक हो जाएगी। अनलॉक होने के बाद सर इसका डिक्की का जो स्पेस है वो बहुत बड़ा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। मतलब कितना अराउंड आप देख दोस्तों का ढेर सारी स्पेस अवेलेबल है आप डिक्की की, ठीक है। वो चार्जिंग का भी है और थोड़ा आगे आगे बताऊंगे जी, जी ठीक है। चार्जिंग का भी ठीक है दिखाई देते जनरली, चार्जिंग का है दोस्तों आप जानते ही नॉर्मल नॉर्मल वाला ही है। और दूसरा इसमें क्या रहता है, बीच में रख देने का जी, यहाँ पे रख देना है। अच्छा यहाँ पे रख देना है, हाँ। वो प्लग में लगा देने का जी, नॉर्मल पिन से आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका चार्जर का चार्जिंग का पॉइंट है, कोई भी नॉर्मल पॉइंट हो आप लगा सकते हो वहाँ पे। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे चार्ज करने के लिए आप इसको ओपन करके ओके, मतलब यहाँ पर ही लगा देना है जी दोस्तों। ये भी अभी देख लीजिए कि जनरली यहाँ से ओपन कर देने का जी, फिर यहाँ से लगा देने का है। मतलब नॉर्मल इजी गोइंग है, आप देख लो फिर बाद में नॉर्मल जो भी रहता है कि दोस्तों जनरली क्या रहता है 64 से 240 वोल्ट का जो एसी वोल्टेज जो रहता है इसका इतना ही खाता है, ज्यादा कुछ उतना यूज होता नहीं है, ठीक है। मतलब अच्छा है वैसे, आप देख सिंपल ही है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से। और इसको यहाँ से दोस्तों प्रेस करना है, मेन ध्यान वो भी बात रखनी, यहाँ से प्रेस करना है फिर बाद में निकालना है, ठीक है। तो मतलब काफी अच्छा है, और यहाँ से फिर बाद में यहाँ से आपको ये पैक कर देना है, पैक कर देने का है, डस्ट वगैरह अंदर ला दीजिए, यहाँ से फिर बाद में क्लोज कर देने का, ठीक है। और डिस्प्ले किस तरह का है जरा जी, जी यहाँ से अनलॉक करते हैं हम। हाँ मोबाइल के एप्लीकेशन, अभी जो मोबाइल के एप्लीकेशन आपका ओला अभी तक कितना, जैसे कि कितनी बैटरी उसमें है आपका, वो जानकारी जो है वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। एप्लीकेशन जैसे एप्लीकेशन में भी 3252 किलोमीटर मेरा वाला चल गया अभी, उसके अलावा जो है वो कितना अभी चल सकता है, जैसे जितना बैटरी बैकअप है अभी उसमें, वो सभी आप दे सकते हैं। साथ में सर ये कॉल व्हीकल सपोर्ट, अगर आपका ओला कहीं भी बंद हो जाता है या फिर कोई भी समस्या आती है तो आप व्हीकल सपोर्ट में डायरेक्टली कॉल करके आप उसी समय आप वो हेल्प ले सकते हैं। नहीं बढ़िया है जी। उसके अलावा जी सर डिस्प्ले में देखते हैं कि डिस्प्ले में अभी पार्किंग मोड में है, अभी 30 किलोमीटर तक मेरा ऑल्सो यहाँ पे सर पी लिखा हुआ है, और जब तक ये जो इसका घुड़ी लगी रहेगी इस तरह से तब तक जो इसका स्टैंड जब तक निकलेगा नहीं तब तक पार्किंग मोड कंटिन्यू रहेगा। यहाँ से सर हम आगे दे सकते हैं, यहाँ पे आप इसमें लोकेशन सेट कर सकते हैं, जैसे आप कोई भी लोकेशन आप सोच के चलिए कि राम पार्क मुझे रेल नगर मेन रोड में जाना है, तो ये लोकेशन सर आपको सेट कर दिए स्टार्ट किए, तो आप लोकेशन के हिसाब से आपको मोबाइल में देखने की जरूरत नहीं है, मतलब जीपीएस इसमें ही आ जाता है। जी जी जी, तो आप सीधा आप लोकेशन पे आराम से पहुंच सकते हो, आप वाईफाई से कनेक्टिविटी होके फिर आप वहां पे जा सकते हो। ओके ओके। इसके अलावा सर आगे अगर देखा जाए तो इसमें ही कॉलिंग फैसिलिटी तो है, जैसे कॉल वगैरह बजेगा ये सब कुछ तो है ही, अलग अलग सेटिंग है सर, डिस्प्ले का सेटिंग कर सकते हैं, ब्लूटूथ सेटिंग, ऑल एक्स्ट्रा सब कुछ सेटिंग वगैरह है इसमें। अच्छा, ये पूरा दिखाएगा आपको कि कितना आपका टॉप स्पीड अभी तक कितना, ये पूरा हिस्ट्री दिखाएगा आपको कि टॉप स्पीड कितनी चली, कितना परसेंट बैटरी बचा है, कितना। सबसे बड़ा ये भी है सर टेम्परेचर भी दिखाएगा आपको, कितना टेम्परेचर, जैसे आपकी गाड़ी ज्यादा हीट हो रही है, हीट हो रही है अगर गाड़ी तो दोनों मैंने की बाहर का भी ये सब यहाँ से दिखा सकेगा यहाँ पे। तो डिस्प्ले काफी अच्छी है सर, कोई भी तकलीफ नहीं, और सारा जो चीज है यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ में सर यहाँ पे गाना भी बजा सकते हैं आप इसमें, जैसे यहाँ पे जी बताइए क्या बता रहे थे। जी सर बता रहा था कि इसमें कोई भी सॉन्ग वगैरह भी आप प्ले कर सकते हैं, आप कहीं जा रहे हैं या फिर कहीं स्टेज पे खड़े हैं आप जी, तो आप सॉन्ग भी इसमें प्ले कर सकते हो। अच्छा अच्छा, ये एक सबसे अच्छी बात है सर इसमें दोस्तों। मतलब इसका जो मतलब चल के भी जा रहे, कई लोगों को ऐसे भी रहता है, कई लोगों को ऐसा रहता है बाहर बाइक चला रहे तो लोगों को लगता है कि कौन पांच से आगे, लेकिन जनरली इस ओला के अंदर आप जानते ही होंगे इसके अंदर आपको साउंड का भी, मतलब साउंड का यहाँ पर साइड में दिया, कहाँ पर दिया जी, साउंड में साइड का ही दिया है स्पीकर, जो स्पीकर दिया मतलब अच्छा है ऑल ओवर जी, ठीक है। स्विच वगैरह है ये सर स्टार्ट और ऑफ करने के लिए, यहाँ पे ये बटन जो है इससे हम लोग आगे मतलब दूसरा इसमें क्या जी, रहेगा इसमें? जी सबसे अच्छी बात ये सर कि स्टार्ट बटन ये स्टार्ट बटन उसके, उसके पास में जो है ये मोड चेंज करने के लिए सर। जनरली आपकी गाड़ी जब चालू होगी तब नॉर्मल मोड में चलेगी, यहाँ पे सर ये बटन दबाने से हम लोग स्पोर्ट्स मोड, इको मोड और साथ में नॉर्मल मोड चेंज कर सकते हैं। इको मोड में जनरली गाड़ी 40 से ऊपर नहीं चल सकती, मैक्सिमम स्पीड 40 देगी, नॉर्मल मोड में 60 तक स्पीड दे सकती है, और अगर स्पोर्ट्स मोड में ले लें हम तो यहाँ पे हम लोगों को जो है वो 90 की स्पीड मिलेगी, ऐसा कंपनी बता रही है। मैंने अभी ज्यादा से ज्यादा 60-65 तक
और जनरली अभी जो है वो रन किया है अभी। उसके अलावा सर ये सब फीचर्स हैं, ये सब भी सॉन्ग वगैरह प्ले ऑन ऑफ करने के लिए। दूसरा यहाँ पर क्या रहेगा इसके, इसके जो स्पेसिफिकेशन क्या है? अलावा सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये लाइट बटन है लाइट चालू करने के लिए, ये लेफ्ट एंड राइट जो साइड के लिए, ये हॉर्न है यहाँ पे, और ये सर रिवर्स गियर है। अच्छा अच्छा। अब आगे का फीचर्स हम लोग चालू करके और इसको थोड़ा रन करेंगे तब हम लोग को ज्यादा मालूम पड़ पाएगा। यहाँ नजदीक से दिखाइए तो पता चलेगा। अच्छा, सबसे शुरू में ये है सर कि ये पार्किंग मोड में है अभी। अच्छा, अच्छा। पार्किंग में हम लोगों ने ये जो इसका स्टैंड है उसको ऊपर कर दिया, जब तक ऊपर नहीं होगा तब तक आप रेगुलर रनिंग मोड में। अच्छा, अच्छा। ब्रेक दबाना है और सिर्फ ये रेड बटन स्टार्ट के लिए दबाए। अच्छा, अच्छा। बस यहाँ पे आ गया, अब राइड मोड में आ गई। अब तो अब आप चला सकते हो। तो यहाँ से सर इंडिकेटर है, आवाज के साथ इंडिकेटर जो है वो आगे बढ़ती रहेगी, सेम टू सेम लेफ्ट एंड राइट। ये बटन जो है सर, आप बटन दिखाना चाहूंगा, ये बटन आप थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखिए, एक बार दबाइएगा तो लाइट जो है वो सीधा फोकस करेगी। अच्छा, अच्छा। और दबा के रखिए तो यहाँ पे जो आगे की सभी लाइटें हैं वो चालू हो जाएंगी। जी जी जी। सेम टू सेम बंद करने के लिए सर यही है, बंद हो गई और सारी लाइट्स चालू हो गई। जी। और आप रिवर्स में मतलब पीछे जाते है कि नहीं क्या? जी रिवर्स में भी जाता है सर, यहाँ पे रिवर्स बटन है, ये रिवर्स बटन एक बार हम प्रेस करेंगे, गाड़ी जब स्टॉप होगी तभी चलेगी। ये एक बार हमने प्रेस किया, रिवर्स बटन प्रेस किया, अब जो लीवर है उसको आगे की तरफ देना है, पीछे नहीं देना है, आगे की तरफ देंगे इस तरह से, पीछे जाएगी। रिवर्स बटन प्रेस किया फिर आगे की तरफ राइड कर सकते हैं सर। जी मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी, जिस तरह से हम लोगों ने बताया कि इको मोड में 40, नॉर्मल मोड में 60 के आसपास, और जो स्पोर्ट्स मोड है उसमें 90 के आसपास होनी चाहिए। टाइम वगैरह फीचर्स भी सर डिस्प्ले में दिखाएगा, ये भी एक अच्छी बात है। लाइट्स वगैरह ठीक है सर, और चलाने में स्पीड एक बहुत मायने रखती है। इलेक्ट्रिक बाइक में लोग स्पीड के कारण भी नहीं लेते थे, ऐसा होता था, लेकिन अब ये थोड़ा अच्छा फायदा है कि इसका स्पीड बहुत अच्छा है, इसलिए दूसरी गाड़ियों के मुकाबले अगर आप जा रहे हैं रोड पे तो आपको कोई वो नहीं फील होगा कि हम धीरे धीरे जा रहे हैं। नहीं अच्छा जी सर, जी सर। आई होप दोस्तों विकास भाई ने मतलब ढेर सारी जो अपना यूजर एक्सपीरियंस जो रहा था अपना पर्सनली, मतलब काफी टाइम से जनरली अराउंडिंग 8 मंथ से यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना पर्सनली जो ओपिनियन जो रहता है और अपना जो लगा है यूजर एक्सपीरियंस जो बोला जाए तो मतलब काफी एक लाजवाब है। और उन्होंने जो भी बताया कि एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, मतलब जो आप पैसा डाल रहे हो उसमें आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, कि जनरली एक्टिवा ले रहे उसके कंपेयर में ए भी ले सकते हैं, उनका पर्सनली ओपिनियन है, ठीक है। तो और विकास भाई थैंक यू आपको कि जिस तरह से आपने पूरा एक्सप्लेनेशन किया हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए। जी थैंक यू, तो आपको बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि आपने इतना करके लोगों के लिए आप फायदे का काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है सर। और सबसे बड़ी ये है कि पेट्रोल से राहत मिल जाएगी। जी जी जी। और जो डर है लोगों के मन में ये थोड़ा कम होगा, लोगों के मन में डर है कि इलेक्ट्रिक बाइक में इतना खर्चा कर रहे हैं उसके बाद कहीं एक खिलौना तो नहीं निकलेगा, तो ये सर बहुत अच्छी बात है कि ऐसा कोई नहीं है। मुझे भी पहले लग रहा था, मेरे कई सारे दोस्त थे वो भी अभी लेने में डाउट में थे ले कि नहीं ले, लेकिन अच्छा है सर, मेरे हिसाब से मैं सबको यही। जी जी। और एक अच्छा फायदा ये सर कि मेरे घर पे भी मैंने सोलार लगा रखा है। अच्छा, अच्छा। जो रूफटॉप सोलार गुजरात गवर्नमेंट का जो है वो भी सब्सिडी के हिसाब से था, तो उससे बड़ा फायदा ये होता है कि मेरे लिए तो बिल्कुल मुफ्त है, क्योंकि बिजली का भी कोई पैसा जी नहीं जी जी। और जनरली सर एक रेशियो निकाला था मैंने, सुना था, अच्छा, मैंने अच्छा। खुद नहीं निकाला, लेकिन ऐसे सुना था कि जनरली 20 रुपए में 106 किलोमीटर चलती है, ऐसा जो मैंने कोई रेशियो नहीं निकाला, लेकिन मुझे वाया ऐसे ही जानकारी मिला था सर, तो बहुत अच्छी है दोस्तों। और सर दिखा रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग। थैंक यू वंस अगेन विकास भाई, आपको स्मार्ट टेक्नो गाइड यूट्यूब चैनल में आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस दिखाया उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। जी ओके दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि इस वीडियो में आपको ढेर सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि ढेर सारे लोगों को क्वेश्चन भी है, कई लोग आजकल जानते ही है
कि ऑनलाइन सर्च करते हैं कि जिस तरह से हमारे वीडियो के अंदर बताया विकास भाई ने कि पैसा तो डाल रहे कहीं ये जिस तरह बच्चों की तरह कहीं लोग परचेस कर रहे तो कहीं इलेक्ट्रिक बाइक खिलौना ना निकले। ठीक है, मतलब मैंने भी ये पर्सनली देखा, मैंने चला करके भी थोड़ा देखा था किस तरह का क्या है, और आपको इस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि स्पीड किस तरह का चल रहा है ऑल ओवर, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है, आप जरूर इसको ट्राई कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। ये आपने जो देखा था दोस्तों S1 Pro करके मॉडल है वाला, मतलब काफी अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी है प्रोडक्ट, जरूर आप इसको ट्राई कर सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है मतलब कहा जाए। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, हमारे मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह की हम इन्फॉर्मेशन आपके साथ, वैल्यू फॉर इन्फॉर्मेशन आपके साथ देते रहेंगे। मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।